हाय फ्रेंड्स, एडुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ ट्रेड परिचय और सुरक्षा सावधानियाँ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे आपका थ्योरी डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आज मैं आपके लिए केवल क्वेश्चंस लेके आया हूँ उस थ्योरी से रिलेटेड। तो मैं जैसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको ऑप्शन दूंगा, आपको ऑप्शन के अनुसार आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, जिसके लिए आपको मैं 10 सेकंड दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रबर दस्तानी या सूखी लकड़ी से, दूसरा ऑप्शन है बी है लोहे की रॉड से, सी है उसके हाथ को पकड़कर, या डी गीली लकड़ी द्वारा। तो विद्युत सप्लाई के तार से अगर कोई व्यक्ति चिपक जाता है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए रबर दस्ताने या सूखी लकड़ी से। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? तो ये चित्र देखिए, ये जो चेतावनी संकेत है क्या दर्शाता है? कल मैंने आपको बताया था चेतावनी संकेत जो होता है वो ट्रायंगुलर आकार में होता है, त्रिभुजाकार आकार में होता है। ठीक है, अब ये जो संकेत है वो क्या दर्शाता है? ए आग का खतरा, बी विस्फोट होने का खतरा, सी विद्युत झटके का खतरा, या डी लेजर बीम से खतरा। तो चित्र को देखिए और फिर बताइए ये संकेत क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है, बता रहा है विद्युत झटके का खतरा। तीसरा क्वेश्चन है कार्यशाला में किसी वर्कशॉप में बिखरा तेल कार्यों में बाधक बन जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं उसे हटाने के लिए? ठीक है, तो ए पानी द्वारा उसे साफ करते हैं, बी रेत द्वारा, सी कपड़े द्वारा, या डी फोम स्प्रे द्वारा। तो इसे हटाने के लिए कार्यशाला में बिखरा तेल को हटाने के लिए हम लोग रेत का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चले चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? ए कुशल मानव श्रम, बी कुशल अभियंता मीन्स इंजीनियर, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका आंसर होगा कुशल मानव श्रम ये भी कर सकता है और कुशल अभियंता ये भी कर सकता है, मतलब सी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए दिया हुआ है वर्तमान युग मशीनों का युग है, बी नट बोल्ट की को अधिक शक्ति से कसने के लिए हम पाइप का प्रयोग कर सकते हैं, सी असावधानी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है, डी बड़े साइज का होल करने के लिए पहले छोटे ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो बी इसका कथन असत्य है, नट बोल्ट को अधिक शक्ति से कसने के लिए पाइप का प्रयोग करना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नट बोल्ट को अगर हम ज्यादा टाइट से कसना चाहते हैं तो उसमें पाइप लगा के हमें कसना चाहिए। छठा क्वेश्चन, मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? तो मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? ए जिज्ञासा क्यूरोसिटी, बी कर्मठता, सी ज्ञात नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिज्ञासा क्यूरोसिटी, जिसे हम क्यूरोसिटी बोलते हैं, क्यूरियो सिटी। दोस्तों चलिए चलते हैं हम सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सी घटना दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आएगा? तो पहला ऑप्शन है ए हाथ से हथौड़े छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, क्या यह दुर्घटना है? बी अचानक हैक्सो ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लग गई, क्या यह दुर्घटना है? सी बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली, डी फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट गई। आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो इसका आंसर होगा सी, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली। ये सब जो है ये सब अचानक से हुआ हुआ घटना है, इसलिए ये दुर्घटना हो गया, लेकिन ये जानबूझ के किया गया घटना है इसलिए ये दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो कौन सा उपकरण जो दुर्घटना का कारण नहीं है? मशरूम हेड चीजल, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, सी फैले हुए मुंह का स्पैनर, या टाइट कसा आरी का ब्लेड। तो आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर। अगर वर्नियर कैलिपर घिस जाता है तो उसे दुर्घटना तो नहीं हो सकती, उसे यही होगा कि आप जो मेजर करेंगे वो गलत आएगा, रीडिंग सही नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसे दुर्घटना नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर मीन्स बी होगा। नौवां क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, जो वर्कशॉप में जो भी दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, उसका क्या कारण है मुख्य, वो जानेंगे। ए असावधानी, बी असुरक्षित हस्त औजार, सी असुरक्षित लेआउट, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा असावधानी भी होगा, असुरक्षित हस्त औजार भी होगा, असुरक्षित लेआउट भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी। तो ये सभी क्या है, मुख्य कारण है दुर्घटनाओं के। दसवां नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो पहला ऑप्शन है सुरक्षा उपकरणों को पहनकर, बी है अपने तरीके से कार्य करके, सी है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करके, डी है जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों को पालन करके। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, जॉब मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों को पालन करके। चलिए दोस्तों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ए ये वाला चिन्ह, बी ये चिन्ह, सी प्लस का चिन्ह, डी एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह। तो जहर के चिन्ह को ये जो चिन्ह है ये दिखाता है, ऐसा डेंजर के चिन्ह में भी देखते हैं आप, तो ये जहर का चिन्ह दिखाता है, ठीक है। ये चिन्ह क्या चीज दिखाता है, लेजर ऑफ बीम का चिन्ह दिखाता है, लेजर ऑफ बीम सूरज के आकार का जो है, ठीक है, ये दिखाता है फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड। ये दिखाता है रिस्क ऑफ डेंजर का चिन्ह है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति सिचुएशन में, किसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति को हम क्या करेंगे? ए आराम करने के लिए कहना चाहिए, हमें उसे कहना चाहिए कि आराम कीजिए आप दुर्घटना से ग्रसित हो गए हैं। बी दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हो गया, क्यों हुआ। सी तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। डी चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा सी, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। जब तक आपका चिकित्सक नहीं आ जाए उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, खुद से उसका प्राथमिक उपचार देना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? ए कार्य में रुचि ना होना, बी अधिक फुर्तीला होना, सी अधिक उत्सुक होना, डी अनुशासनहीन होना। मैंने ये आपको थ्योरी में बताया था, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं लगभग मैंने थ्योरी में बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि दुर्घटना का कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अधिक फुर्तीला होना, ठीक है। एक कार्य में रुचि ना होना मतलब कोई कार्य कर रहे हैं आप उसमें रुचि नहीं है, तो ये इस कारण क्या हो सकता है, आपको दुर्घटना हो सकती है। अधिक उत्सुक होना ज्यादा क्यूरियोसिटी, आपको पता नहीं मशीन कैसे चलेगा तब भी आप चला रहे हैं तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। अनुशासन ही होना अनडिसिप्लिन है, आप वर्कशॉप में दौड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उससे भी दुर्घटना हो सकती है, तो किससे दुर्घटना नहीं होगी, अधिक फुर्तीला होना। अगर आप एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको दुर्घटना हो जाएगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, सूची एक व सूची दो का मिलान कीजिए, ठीक है। ए सिर की सुरक्षा,
यहाँ वन दिया हुआ ईयर वाल्व, बी पैरों की सुरक्षा, टू सुरक्षा हेलमेट, सी श्रवण की सुरक्षा, तीन फेस शील्ड, चेहरे की सुरक्षा, डी फोर सुरक्षा बूट। ए में क्या दिया हुआ है, ए थ्री बी फोर सी वन डी टू, बी का दिया हुआ है ए फोर बी थ्री सी टू डी वन, सी का दिया हुआ है ए टू बी फोर सी वन डी थ्री और डी का दिया हुआ है ए टू बी फोर सी थ्री डी वन। तो इसके आंसर हम देखते हैं, सिर की सुरक्षा हम लोग किससे करते हैं, सुरक्षित हेलमेट से। तो मतलब ए का टू से मिलान होगा, ए टू इसमें है, ए टू इसमें है, ठीक है, इसमें और इसमें ए टू है। बी का बात करें, पैरों की सुरक्षा हम किससे करते हैं, सुरक्षा बूट से करते हैं, तो बी फोर होगा, बी फोर इसमें भी है, इसमें भी है बी फोर। सी का बात करें, श्रवण की सुरक्षा मीन्स हियरिंग से सुरक्षा हम ईयर वॉल्व से करते हैं, सी वन, सी वन इसमें भी है, सी वन देखिए इसमें नहीं है, सी थ्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डी चेहरे की सुरक्षा हम करते हैं, फेस शील्ड से करते हैं, डी थ्री हो गया, ठीक है। ये था 14 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पीपीई, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, क्या है इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने ये आपको बताया था पिछले वीडियोस में। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेड थ्योरी, ट्रेड इंट्रोडक्शन और सुरक्षा सावधानियां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज भी मैंने आपसे 14 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल एडुकेशन आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम आगे वीडियो को और अच्छे तरीके से बना सके। और आपको जो भी वीडियो में खराबी लगता है उसे ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।